सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो दुनिया चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नो दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अब स्पोकन इंग्लिश बोलना और उसको समझ पाना और भी हो गया है आसान, क्योंकि जियो फोन के लिए आपके पास अगर जियो फोन है तो उसमें से ही ये सब काम बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो किस तरह से करना होगा, क्या क्या प्रोसीडर्स है और किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश जो है बोल पाएंगे और समझ पाएंगे, तो सभी जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है और आगे चल के आप लोगों को इस तरह का टिप्स टिक्स लेटेस्ट न्यूज अनबॉक्सिंग के बारे में सबसे पहले पता चले। दोस्तों बेसिकली देख सकते हैं मेरे हाथ पे है ये वाला जियो फोन है, तो इसमें एक नया अपडेट आ चुका है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल पाएंगे और उसको समझ भी पाएंगे। तो क्या है प्रोसीडर सभी जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो जियो स्टोर है तो सिंपल आप जियो स्टोर में चला जाइए। देख सकते मेरे हाथ पे जियो फोन है, देख सकते हैं यहाँ पे गूगल असिस्टेंट है, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा हूँ। अगर आपके फोन पे अभी तक गूगल असिस्टेंट का अपडेट नहीं आया है और किस तरह से काम करता है आपके, अगर आपके पास अगर स्मार्टफोन हो तो उसमें तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा किस तरह से जियो फोन में गूगल असिस्टेंट को काम पे ले पाएंगे और आपका कुछ का जिंदगी और भी आसान कर देगा गूगल असिस्टेंट, तो वो भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो आज हम देखेंगे जो कैसे बहुत ही आसान तरीके से स्पोकन इंग्लिश को बोल पाएंगे, उसको किस तरह से एक्टिवेट कर पाएंगे। तो सिंपल आपको जियो स्टोर में आ जाएंगे, तो वहाँ पे आ जाने के बाद एक नया ऐप जियो स्टोर में आ चुका है, तो वो ऐप का नाम है देखिए आप दोस्तों देख सकते हैं ये वाला है इंग्लिश गुरु ऐप। तो इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो सिंपल हम लोग इंग्लिश गुरु ऐप पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद देखिए सिंपल हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैक इंस्टॉल है तो सिंपल हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है लर्न स्पोकन इंग्लिश, तो सिंपल हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल होने देते हैं और उसे देख सकते हैं हम लोगों का इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपल हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से, देखिए इंग्लिश गुरु इस तरह से लिखा हुआ है। और उसके बाद आपका जो डिजर्स मदर लैंग्वेज है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, अब हम लोगों को मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, मराठी है, बंगाली है, पंजाबी है, मतलब इंडियन का जितना सारा रीजनल लैंग्वेज है तो सभी यहाँ पे है, गुजराती है, कनाडा है, तमिल है, तेलुगु है, नेपाली है, तो सब कुछ है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे इंग्लिश पे चलते हैं और उसके बाद लर्न इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश, तो यहाँ पे बोल रहा है इंग्लिश से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इसको कन्फर्म कर सकते हैं, नहीं तो अब इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग इसको कैंसिल करके हिंदी से कर देना चाहता हूँ तो हिंदी करता हूँ और उसके बाद हिंदी भाषा में अंग्रेजी को सीखे, ठीक है। तो सिंपल हम लोग इसको कन्फर्म कर देते हैं। और देखिए आपका नाम पूछने जा रहा है, तो सिंपल आप यहाँ पे नाम आपका जो नेम है वो दे दीजिए। और दोस्तों हम लोगों ने नेम को दे दिया, उसके बाद देखिए पुरुष है और महिला है, तो सिंपल हम लोग पुरुष पे करते हैं। और उसके बाद नीचे है परिवर्तन को सुनिश्चित करें, तो सिंपल हम लोग इसको ओके क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पसंदीदा टेस्ट वापस इस तरह से है, तो सिंपल हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और इस तरह से बोल रहा है कि दिस बुक इज फॉर, ठीक है। और उसके बाद दिखा रहा है लुकिंग, रीडिंग, वॉचिंग इस तरह से है, तो सिंपल हम लोग लुकिंग करते हैं। अब आपके पसंद के हिसाब से कर सकते हो। राजू देखिए किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पे राजू डैश करके फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं आपका स्किल डेवलप करने के लिए, एम होगा, इज होगा, आर होगा, ठीक है। हम लोग एक बार ट्राई करके देख लेते तो कौन सा सही रहेगा कौन सा गलत रहेगा, आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। सिंपल हम लोग इज पे ऊपर क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से बोल रहा है, मतलब अब मेरा जो आंसर है सही है। और उसके बाद वी डैश है टेलीविजन होना है जो चाइल्ड इस तरह से है, तो आप भी इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और आपका जो नॉलेज है इंग्लिश का वो डेवलप कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपके जियो फोन में से इंग्लिश गुरु जो ऐप है तो इसके मदद से आप आपका जो इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश का लैंग्वेज है वो भी मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यही था थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों सभी के लिए जियो फोन का अपडेट के लिए। तो उम्मीद है आप लोग आज का जो मेरा वीडियो तो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक कमेंट दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इसी तरह का टिप्स टिक्स पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव ए गुड डे, बाय।